बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। खरगोन शहर सहित मध्य प्रदेश भर में बुधवार को मकर संक्रांति पर्व मनाया गया। शहर के नवग्रह मंदिर में आज सुबह से ही हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान नवग्रह के दर्शन कर सत्यनारायण की कथा और मनोकामनाएं की। सुबह से शाम तक अनेक कार्यक्रम किए गए। देश भर में मकर संक्रांति का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज सुबह से स्नान करके श्रद्धालु मंदिरों में जाते दिखाई दिए। इसी के चलते खरगोन जिले के विश्व प्रसिद्ध नवग्रह मंदिर में भक्तों का तांता लगते दिखाई दिया। हम आपको बता दें कि मकर संक्रांति के अवसर पर नवग्रह मंदिर में देश प्रदेश के भक्तजन पहुंचते हैं और नवग्रह देवता का पूजन करके साल के पहले त्योहार से जीवन में सुख शांति के लिए मनोकामना करते हैं। इस दौरान पुजारी पंडित लोकेश जागीरदार ने बताया कि मंदिर में स्थित मां बगला देवी की मूर्ति सूर्य की पहली किरण पड़ती है और ग्रहों की दिशा में सूर्य का विशेष महत्व है। इसी के चलते दूर दराज के लोग आते हैं और ग्रह शांति का पाठ करके सुखमय जीवन की अनुभूति प्राप्त करते हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का महापर्व सूर्य की अगवानी का महापर्व है और सूर्य प्रधान है प्राचीन नवग्रह मंदिर है। यहाँ पर सूर्य की प्रथम किरण का आगमन भी होता है। आज के दिन भगवान सूर्य का पूजन और उनके लिए विशेष दान का महत्व बताया गया, जिससे हमें वर्ष भर के लिए नवग्रह शांति की प्राप्ति होती है। प्राचीनतम श्री नवग्रह मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सूर्यदेव माँ बगलाम की देवी और नवग्रह का महापूजन और अभिषेक होता है और उसके पश्चात सूर्योदय के समय भगवान की महाआरती की जाती है। महाआरती में 5 से 5 किलो तिल गुड़ के मोदक की महाप्रसादी का भोग लगता है। इसके पश्चात दिन भर सत्यनारायण कथापाठ के आयोजन भी होते हैं। यहाँ पर सत्यनारायण कथापाठ और दर्शन पूजन करने से हमें ग्रह शांति प्राप्ति होती है। सूर्य आत्मा का कारक है, जिससे हमें आत्मबल मिलता है और शरीर निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। क्या नाम है आपका? पंडित लोकेश जागीरदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।